नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे रहना। दोस्तों, जब भी आप अपना घर बनाते हैं उसके साथ आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप चली करके देखते हैं और सही लगेगा ठीक है और नहीं लगेगा तो बाद में इसको चेंज कर लेंगे, तो ये सोचना आपका बहुत गलत होगा और ये गलती आपको काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे बाथरूम और टॉयलेट को कैसे बनाना है और डिस्कस करेंगे उन 7 गलतियों के बारे में जो 70% से ज़्यादा लोग करते हैं और आपको नहीं करनी है, क्योंकि वो गलतियाँ कुछ 3 महीने बाद चलती हैं पता और कुछ 1.5-2 साल बाद चलती हैं पता, और उसके बाद आदमी को लगता है कि मेरा पैसा बर्बाद गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे और आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, साइज़। तो जो हमारे टॉयलेट का साइज़ है वो मिनिमम 4x5 फीट होना चाहिए, जो बाथरूम का साइज़ है वो मिनिमम 5x5 फीट होना चाहिए। अगर आप अटैच टॉयलेट बाथरूम बना रहे हैं तो उसका साइज़ मिनिमम 5x7 होना चाहिए। अगर इन साइज़ों से कम आप बना रहे हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में। एक बात और है दोस्तों, आपका जो टॉयलेट बाथरूम है उसकी हाइट आप 7.5 फीट से ज़्यादा ना रखें। जो 7.5 फीट के बाद जो बची जगह है उसको आप एज अ स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर हिडन अलमीरा बना सकते हैं, तो वो आपके बहुत काम आएगी। तो दूसरी बात दोस्तों ये है कि हम टॉयलेट बाथरूम अटैच बनाएं या अलग अलग बनाएं। तो अगर आपके पास जगह की कमी नहीं है दोस्तों तो मैं रिकमेंड करूँगा आप टॉयलेट बाथरूम अलग अलग ही बनाएं, और जगह की कमी है तो फिर आप अटैच ही बनाएं फिर। और जो मिनिमम एरिया मैंने बताया अटैच का 5x7 होना चाहिए। तो अलग अलग बनाने की वजह यह है कि अगर आपके घर में 4 लोग रहते हैं और किसी को अगर टॉयलेट यूज़ करना है, दूसरे को बाथरूम यूज़ करना है, तो अटैच के केस में एक ना एक को वेट करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में ये बहुत दिक्कत हो जाती है। इसका सोल्यूशन फिर ये है कि अगर आप अटैच टॉयलेट एक बाथरूम बना रहे हैं घर में तो साथ में एक अलग से टॉयलेट बना लें, उसमें चाहे इंडियन सीट लगवा लें, और छोटा टॉयलेट क्यों ना हो, चाहे वो 3.5x3.5 का ही क्यों ना हो, तो उसको जरूर बना के रखें, तो ये जो एमरजेंसी में जाने वाली दिक्कत है ये आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अपने अटैच टॉयलेट बाथरूम में ड्राई एरिया का जरूर ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपका जो टॉयलेट अटैच बाथरूम है वो हमेशा पूरा का पूरा गीला ही रहता हो। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको एक तो हाइट ऊपर नीचे करनी है, कमोड की हाइट ऊपर हो और जो आपका बाथरूम का जो नहाने वाला एरिया उसकी हाइट नीचे हो। और दूसरी बात, जैसे ही आपका गेट खुले टॉयलेट का, जो मैंने डिजाइन सामने बनाया इस तरह का डिजाइन होना चाहिए, यानी टॉयलेट खुलते ही सामने एक वॉश बेसिन हो, उसके अपोजिट में आपका कमोड हो और सामने आप कॉर्नर पे आपका बाथरूम एरिया हो। और इसको और ड्राई रखने के लिए आप कमोड और बाथरूम एरिया के बीच में प्लास्टिक वाले कर्टन भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बाथरूम हमेशा गीला रहेगा तो उसके अंदर स्मेल बनी रहेगी, तो उसको सूखा रखना बहुत ज़रूरी है। और सूखा रखने के लिए आपको इस तरह डिज़ाइन करना पड़ेगा कि दिन में अगर आपको 10 बार भी कमोड यूज़ करनी है तो आपको बाथरूम से होके ना जाना पड़े, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बाथरूम में कितने भी वाइपर लगा लें आपका घर भी गंदा रहेगा, आप अंदर से निकल के बाहर आएंगे और आपका बाथरूम भी गंदा ही रहेगा। तो टॉयलेट का डिज़ाइन का जरूर ध्यान रखें, ये आप भी सोच सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं अपने टॉयलेट का एरिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की और आपको आपका डिज़ाइन भेजने की। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि हमें टॉयलेट में सीट कौन सी लगवानी है। देखिए, 3 तरह की सीट्स होती हैं, वॉल माउंटेड, सिंगल पीस, वेस्टर्न और इंडियन सीट्स। तो ये आपको प्लम्बिंग का काम शुरू होने से पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी सीट लगानी है। तो अगर आप वॉल माउंटेड सीट लगा रहे हैं जो आजकल फैशन में चल रही हैं, उसमें साफ़ सफाई ज़्यादा रहती है और इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सब कुछ इसका दीवार के अंदर ही फिट होता है, अगर कुछ ख़राब हो जाए तो आपको पूरी दीवार उखड़वा के ही इसको ठीक कराना पड़ेगा फिर। तो ये अगर आप लगवाना चाहते हैं तो अपने प्लम्बर को पहले ही बता दें, तो वो उसी हिसाब से इसकी दीवार के अंदर फिटिंग करेगा, इसका जितना भी सिस्टम होता है वो दीवार के अंदर ही फिट हो जाएगा। तो अगर आप दूसरा लगवा रहे हैं फिर वेस्टर्न सीट, कोई सिंगल पीस या डबल पीस में, तो उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी लगवानी है पहले से ही, क्योंकि जो पॉइंट होता है उसका वो दीवार से 9 इंच या 4 इंच पे होता है, तो उसी हिसाब से पहले सीट डिसाइड कर लें, उसके बाद प्लम्बर से वो पीवीसी पाइप्स जो 4 इंच वाले फिटिंग होती है वो करवाएं बाद में। और फिर आपको अगर इंडियन सीट लगानी है तो वो भी आप पहले डिसाइड करके अपने प्लम्बर को बता दें, ताकि उसी हिसाब से वो पीवीसी पाइप्स की फिटिंग कर सके। कई बार लोग ऐसा नहीं करते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, और उससे क्या होता है उनकी पाइप को दोबारा ज़मीन से उखाड़ना पड़ता है, दोबारा से फिटिंग करनी पड़ती है, तो उससे आपका नुकसान भी बढ़ जाता है और मजबूती दोबारा वो नहीं आ पाती घर के अंदर। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगल पीस सीट लगवाएं, काफ़ी सारी कंपनी आती हैं इसकी, और इसमें आप ये आपको सस्ती पड़ेगी और उसका लुक भी अच्छा आता है। तो अगली बात दोस्तों हम करते हैं सेप्टिक टैंक और टॉयलेट के बीच का कनेक्शन। देखिए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाद में अगर आप इसमें कोई कमी कर दें तो घर में आपके कॉकरोच ही कॉकरोच भरे रहेंगे हमेशा।
दोस्तों सेप्टिक टैंक के ऊपर कभी टॉयलेट मत बनाएं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम सेप्टिक टैंक के ऊपर टॉयलेट बना सकते हैं, तो उसका जवाब है कभी नहीं। सेप्टिक टैंक के साथ एक होल होता है जो आपको ओपन रखना है हमेशा, उसकी सफाई होती है 1.5-2 साल के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों टॉयलेट स्लज या फिर वेस्ट का कनेक्शन डायरेक्ट सेप्टिक टैंक के साथ कभी ना लें, यह बात अपने प्लम्बर को बता दें पहले ही, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके घर के अंदर स्मेल भरी रहेगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप प्लम्बर को पहले ही समझा कर रखें, और जैसे मैंने बताया कि सेप्टिक टैंक के ऊपर टॉयलेट आप कभी ना बनाएं, तो जहां तक हो सके सेप्टिक टैंक बिल्कुल सेपरेट रहे। दोस्तों अगली बात करेंगे हम वेंटिलेशन की। देखिए टॉयलेट के अंदर आपका प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है टॉयलेट बाथरूम में, क्योंकि अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो उसके अंदर घुटन बनी रहेगी और गैस बन जाएगी, और इसकी वजह से मैंने कई बार न्यूज़ में भी देखा है कि टॉयलेट के अंदर बैठ के कभी कुछ लोगों को हार्ट अटैक तक भी आए हैं वो इसी वजह से कि टॉयलेट के अंदर बैठ के उनको गैस की प्रॉब्लम हो गई और बहुत ज़्यादा घुटन हो गई, सफोकेशन हो गई, और इस वजह से उनको गैस अटैक हो गए। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके टॉयलेट में प्रॉपर वेंटिलेशन हो। अगला दोस्तों पॉइंट है वाटरप्रूफिंग का। देखिए जब भी आपके टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, जो टॉयलेट का आपका फ्लोर है और जो दीवारें हैं वहाँ पर आप डॉक्टर फिक्सेट का मेम्ब्रेन पेंट या बहुत सारे वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन आते हैं वहाँ पर आप दीवार पर जहाँ टाइल लगने वाली है यानी 3 फीट तक या 4 फीट तक दीवार पर और टॉयलेट के नीचे उसके फ्लोर पर ये वाटरप्रूफिंग ज़रूर करवा लें सीमेंट में मिलवा के, ये फ्यूचर में आपके दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपने बहुत सारी दीवारों में देखा होगा टॉयलेट के आसपास की दीवारें बिल्कुल उखड़ी होती है, पेंट वेंट उखड़ा होता है, वो इसी वजह से है क्योंकि वाटरप्रूफिंग नहीं हो रखी है, और टॉयलेट तो आपका इस्तेमाल होना ही है, तो इसलिए आप उसका वाटरप्रूफिंग जरूर करवा लें, ज़िंदगी भर आपके काम आएगा वो। और अगर टॉयलेट में दोस्तों टाइल लगवा रहे हैं तो ग्लॉसी टाइल मत लगवाएं, उसमें फिसलन बहुत ज़्यादा होगी, तो मैट टाइल्स लगवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग शो के चक्कर में ग्लॉसी टाइल लगवा लेते हैं और बाद में फिर वो दीवारें पकड़ पकड़ के टॉयलेट से बाहर निकलते हैं, तो वो ध्यान रखें और मैट टाइल्स लगवाएं या फिर पत्थर लगवाएं। और आखिरी बात दोस्तों प्लम्बिंग की है। देखो जब भी आपके घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, टॉयलेट में प्लम्बिंग का काम हो गया हो और प्लास्टर ना हुआ हो, तो उसकी फ़ोटो ले लें या वीडियो बना लें, कि बाद में जब आप कनेक्शन करते हैं या कुछ भी चेंजेस करते हैं तो आपको पता रहेगा कि कौन से पाइप कहाँ पर हैं। तो अगर आप थोड़ी सी दीवार कटिंग भी करवाते हैं तो आपकी दीवार मिस कटिंग नहीं होगी, यहाँ वहाँ से निकल जगह से नहीं फूटेगी, तो सही जगह से रहेगी, तो उसकी फ़ोटो जरूर ले लें प्लम्बिंग करने के बाद और प्लास्टर से पहले। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे मोटिवेशन के लिए, कमेंट करके कुछ भी सवाल हो मुझसे पूछें, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।